बाकी तूफान रेमल के पहले अब लहरों में न सिर्फ तेजी बढ़ गई है बल्कि उसके साथ साथ वेग भी बढ़ चुका है। मैं इस समय हूँ दीघा के समुद्र के किनारे जहाँ पर लगातार तूफान का आगाज हो चुका है। शाम तक लैंडफॉल होने की बात है और गति उसकी 6 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये तूफान अब बंगाल की तरफ बढ़ रहा है। बंगाल की खाड़ी से उत्तर बंगाल की तरफ होते हुए और बांग्लादेश की तरफ जाने की बात है। लेकिन दीघा पर किस तरह की तैयारियां हैं, लोगों को बार बार हिदायत दी जा रही है कि वो घरों के अंदर जाएं। छुट्टी का समय रहता है शनिवार रविवार, ऐसे में दीघा में बहुत भीड़ रहती है जहाँ लाखों की संख्या में पर्यटक आते हैं, अधिकतर इस समय यहाँ पर आके रहते भी हैं। इस समय होटलों को खाली कराया जा रहा है, ये जितने भी होटल्स हैं आसपास आपको दिख रहे हैं दीघा न्यू दीघा इलाकों में, उन्हें खाली करा दिया गया है। ये कहा गया है कि जितना हो सके संभव यात्री दीघा और तटवर्ती इलाके छोड़कर चले जाएं। पिछले 2 दिनों से मछुआरों को समुद्र में जाने की इजाजत नहीं है, तो वहीं दूसरी ओर NDRF की तरफ से भी पूरी तरह से तैनाती है, हर सामान लेकर लगातार सायरन बजाए जा रहे हैं। लोगों को कहा जा रहा है कि वो जितना हो सके समुद्र के किनारे से दूर रहें, जितना हो सके बीच से अलग जाकर अंदर अपने या तो कमरों में रहें या फिर वापस अपने घर चले जाएं। ये इसके 2 कारण हैं। पहला ये कि ट्रेन पूरी तरह से बाधित है, यानी कि सेवाएं इस इलाके में रद्द रहेंगी जब तक साइक्लोन पूरी तरह से गुजर नहीं जाता है। तो वहीं साथ ही साथ कलकत्ता एयरपोर्ट पर भी शाम से सारी फ्लाइट्स रद्द कर दी गई हैं। लेकिन सैलानियों को वापस लेकर जाना फिलहाल इस समय प्रशासन के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। NDRF की टीम इस समय तैनात है दीघा में। बात करने के लिए हमारे साथ KC मुशैल साहब है। ये बताइए कि क्या तैयारियां हैं यहाँ पर NDRF? देखिए, जो साइक्लोन साइक्लोनिक स्टॉर्म रेमल आने वाला है उसके लिए हमें पूरी तरह से तैयार है। FWR और जो फ्लड वाटर रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए हमें पूरी तरह से तैयार है, और साथ साथ ही हमें लोकल जो प्रशासन है, जैसे हम मेरा कमांडिंग ऑफिसर श्री गुरविंदर सिंह के नेतृत्वाधीन में, और साथ ही हम लोकल जो प्रशासन है लोकल प्रशासन के साथ हम कदम पे कदम मिला के इस सिचुएशन से निपटने के लिए हम तैयार हैं। सबसे बड़ी चुनौती क्या है, क्योंकि बहुत सारे पर्यटक हैं जो वापस जाने को मान नहीं रहे हैं? हम उसको उनके पास हम लोकल प्रशासन की तरफ से, जैसे वीडियो में बात हो रहा है, हम यहाँ पे माइकिंग सिस्टम करते रहेंगे, साथ साथ हमारे जो लोकल प्रशासन की तरफ से पुलिस है उनके साथ मिलकर हम यहाँ पे जो भी टूरिस्ट है इनके लिए हम ये बोलना चाहेंगे, आप ऐसे जो साइक्लोन आ रहा है रेमल उससे आप अपने सेफ जगह में चले जाए, क्योंकि आप जो भी पर्यटन का मजा ले। आपके यहाँ पर तैयारी क्या क्या है, सामान क्या क्या लाए हैं, क्या क्या ध्यान में रखा जाएगा यहाँ पे FWR का सिचुएशन का? हम पूरी तरह से तैयारी है, जैसे कि हमारा हम पूरी तरह से तैयार हो चुके हैं, जैसे हमारा जो भी FWR सिचुएशन से जो भी इक्विपमेंट से तैयारी चलता है। यहाँ पे आप जो साइक्लोन आने वाले साइक्लोन से रिगार्डिंग जो यहाँ पे जो भी MD की तरफ से बताया जा रहा है जो कि यहाँ पे डैमेज होने वाला है, एक तो यहाँ पे जो रूट अपरूटेड ट्रीज हो सकते हैं, जो भी डेड लिम्ब्स है हो सकते हैं, जो भी कच्चा मॉकन्स वगैरह है उसमें डैमेज होने के चांसेस है, और साथ साथ ही जो भी अटैच मेटल्स या सीट होगा उसको उड़ने का चांसेस है, तो उससे निपटने के लिए हम तैयार है। पूरी तरह से तैयार है NDRF, लेकिन आप भी अपने घरों में ही रहें। कैमरा पर्सन सूरज पांडे के साथ मनोज्ञा लोहीवाल, दीघा, ABP News।